नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। यहां प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया और यहां लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने यहां से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ये ट्रेनें अयोध्या से दक्षिण भारत और नई दिल्ली समेत मिथिलांचल को भी जोड़ेंगी। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60 हजार लोग आ जा सकेंगे। साथियों, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशनों के अलावा आज यहां अनेक पथों का, मार्गों का भी लोकार्पण हुआ है। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ से आवाजाही और सुगम होगी। भारत न्याय यात्रा फ्रॉम जनवरी 14 टू मार्च 20 फ्रॉम मणिपुर टू मुंबई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भारत न्याय यात्रा के नाम से निकाला जा रहा है। ये यात्रा मणिपुर से मुंबई तक की जाएगी। इस दौरान ये यात्रा हजारों किलोमीटर का सफर तय करेगी। 14 जनवरी से शुरू होकर ये यात्रा 20 मार्च तक चलेगी। इस यात्रा की शुरुआत इम्फाल से की जाएगी, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी दी कि भारत न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी। इसे लेकर 4 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक है, जहां रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से पूरे देश को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति विराजमान होगी, तब पूरे देश में दीपावली होनी चाहिए। हर एक भारतवासी को उस दिन अपने घरों में प्रभु श्री राम के नाम का दिया जलाना है। प्रधानमंत्री ने सभी को भगवान राम के दर्शन के लिए आमंत्रित भी किया। उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक ऐसा करने के लिए कहा। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में सभी मंत्रियों समेत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने पास सामान्य प्रशासन, खनिज ऊर्जा, जनसंपर्क, आबकारी और परिवहन विभाग रखे हैं, तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि विधाई और नगरीय प्रशासन के जिम्मे के साथ, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास के साथ तकनीकी शिक्षा, रोजगार और विज्ञान प्रौद्योगिकी भी दिया गया है। इनके अलावा 9 और अन्य मंत्रियों को भी विभाग सौंप दिए गए हैं, जिनमें लक्ष्मी राजवाड़े को महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग का दायित्व सौंपा गया है। सभी को मुख्यमंत्री ने बधाई दी और कहा कि विभाग के बंटवारे की तारीफ की जा रही है। बिल्कुल, सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं और मंत्रिमंडल गठन का सर्वोत्तम तारीफ हो रही है।
भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या में भोग लगाने के लिए 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल 11 ट्रकों के माध्यम से भेजा गया। इन ट्रकों को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सुगंधित चावल प्रदेश के राइस मिलों से एकत्रित किया गया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री का अभिनंदन कर उन्हें लड्डुओं से तौला गया। इस मौके पर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने चावल भवन के लिए राजधानी में भूखंड की मांग करते हुए राइस मिलर्स की परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। हमने एक मांग पत्र बनाया है, मैं जल्दी जल्दी उसको पढ़ देता हूं। मेरे को पता है कि आपको 2 बजे एक अन्य कार्यक्रम में जाना है। कस्टम मिलिंग भुगतान, जिसमें एफआरके का भुगतान है, बारदाने का भुगतान है, ट्रांसपोर्टिंग का भुगतान है, जो यहाँ के अधिकारी पिछले 4 सालों से हमारे भुगतान को रोक के रखे हुए, न जाने क्यों। फेडरल एफसीआई ने हमारा पैसा उनको भेज दिया, लेकिन मारपीट के अधिकारी हैं कि बगैर घूस का हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, खुली घूस मांगते हैं। आज भी वो हमारा सारा पैसा रोक के रखे, उनके खाते में पैसा पड़ा है लेकिन दे नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। आप आदेश कर दीजिए, हम मिलर का पूरा पैसा आ जाएगा। हमारे एक मिलर भाई हमारा कांकेर का गुप्ता जी, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया और वो स्वर्गवासी हो गया, उसको पैसा नहीं मिला, बैंक गारंटी नहीं बना पाया, अधिकारियों ने उसको परेशान किया और वो पैसा नहीं जमा कर पाया, वो बेचारा काल के गर्भ में समा गया। मिलर की ये स्थिति ना हो आपसे आग्रह करता हूं। 120 रुपया जो हमारी पूर्व सरकार ने दिया था उसको यथावत रखें और हमारे मिलर को उसमें सम्मानजनक राशि हमारी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। एक बहुत बड़ी समस्या मंडी शुल्क की है, मंडी शुल्क न जाने क्यों 5% कर दिया गया और केंद्र सरकार सिर्फ 1.5% ही देता है और वो अनायास लगा दिया गया। आपसे आग्रह करता हूं कि उसका भी परीक्षण करा के मंडी शुल्क जैसे मध्य प्रदेश में 1% है, छत्तीसगढ़ में भी 1% किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजधानी में कर्ज तले दबे एक परिवार के 3 सदस्यों द्वारा की गई आत्महत्या को गंभीर मामला कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। टिकरापारा आत्महत्या को लेकर उन्होंने कांग्रेस जनों द्वारा जांच कमेटी गठन करने की बात भी कही। निश्चित रूप से गंभीर मामला है और लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में आर्थिक तंगी का मामला, कर्ज से डूबे हुए मामला लगातार सामने आ रहे, आत्महत्याएं बढ़ रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस बहुत जल्द ही जांच कमेटी बनाकर जांच करेगी। बिलासपुर के संजीवनी अस्पताल में नई सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं। यहां एक स्मार्ट आईसीयू स्थापित किया गया है जहां 35 इंटेंसिव बेड समेत 100 बेड की उपलब्धता है। यहाँ डिजिटल रूप से 24 घंटे सघन निगरानी वाले क्रिटिकल केयर समाधान का प्रबंध हो चुका है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद तिवारी ने जानकारी दी कि स्मार्ट आईसीयू का कमांड सेंटर बेंगलुरु में होगा, इससे मरीजों का सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा और यहाँ आयुष्मान कार्ड भी मान्य होंगे। ये स्मार्ट आईसीयू है, ये क्लाउड फिजिशियन बेस्ड सर्विसेज है जिसमें बेंगलोर में बैठे हुए कमांड सेंटर में वहाँ के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जो अलग अलग विभाग के हैं, कोई हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कोई गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं, कोई ये है कि लंग इन्फेक्शन के ये विशेषज्ञ हैं, वो लोग भी हमें सहयोग करेंगे और यहाँ पे वही वो डॉक्टर्स को वो है कि ज़रूरत पड़े तो सलाह देते रहेंगे और वो बताते रहेंगे कि दवाई में क्या सुधार करना है, क्या बदलाव करना है। जशपुर जिले को विकसित करने और इसे स्वास्थ्य शिक्षा के बेहतर सुविधाओं से जोड़ने का जिम्मा जिले के कलेक्टर और एसपी को दिया गया है। जशपुर के विकास को लेकर मास्टर प्लान तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अंचल में पर्यटन को लेकर भी अपार संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में भी कार्य किए जाने चाहिए। यहाँ पर सामान्य कलेक्टर एसपी हैं और उनसे मेरा आग्रह है कि जशपुर जिले का विकास का हर क्षेत्र में एक ऐसा मास्टर प्लान करें, एक प्लानिंग करें कि आने वाला पीढ़ी भी ये मतलब याद करे कि यहाँ का कोई मुख्यमंत्री बना था। पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं जशपुर के अंदर में
और भी शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यहाँ के हमारे पहाड़ी कोरवा आर्चरी में बहुत आगे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा के लिए हम लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हमारे जसपुर जिले के लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए जसपुर से बाहर जाना मत पड़े। ये सब सारा प्लानिंग आप कर लें, निश्चित रूप से जसपुर को एक सुंदर जसपुर बनाएंगे। वैसे तो छत्तीसगढ़ को ही बहुत आगे ले जाएंगे, और छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया का जो कहावत है उसको चरितार्थ करके रहेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए कल तक। रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।